बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई एम रेहान ज़फ़ाया विद अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग हम उर्दू में करेंगे, कुछ इंग्लिश में होगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं कमेंट्स में, तो मैं उनको रिप्लाई करूंगा। तो आज जो क्वेश्चन उर्दू में है उनको उर्दू में उनका जवाब देंगे, उनका जवाब, और जो इंग्लिश में है उनका जवाब इंग्लिश में दूंगा। अच्छा, कुछ कमेंट तो ऐसे ही है ना, जैसे वो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, माशाल्लाह नाइस वीडियो, ये वो तो हैं, वो तो जो सब आपने इतना मोटिवेट किया है, आपने अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, वो तो आपका शुक्रिया। उनको तो मेरा ख्याल है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। असल में जो बात करने की है, जो आपका कोई आपने कोई सवाल पूछा है, तो उसका मैं जवाब देता हूँ आज इंशाल्लाह, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक। हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो जो जितनी मुझे मालूमात है उसके मुताबिक मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये कमेंट्स हैं, ये तो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये वो, अच्छा जी, ये कमेंट है कि आप फुडोरा में मंथली कितने पैसे बना सकते हैं। मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप मंथली उनका कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 10 घंटे की वीक की शिफ्ट देते हैं जो आपको करनी होती है, तो वो 10 घंटे की शिफ्ट में वो मैंने उनका रेट भी बताया है। वो वैसे जो पंजाबी में भी लागा उसमें भी बताया है, और जो इंग्लिश में भी लॉग किया उसमें बताया वो क्या पर देते हैं और क्या होता है, तो उस हिसाब से आप एवरेज निकाल लें, लेकिन रफली 10,000 करोड़ बना लेते हैं। अच्छा जी, और आगे ये भाई साहब पूछ रहे हैं जी कि बोल्ट पे गाड़ी पे अगर काम करना हो तो बेस्ट एरिया कौन सा है, कौन से एरिया में काम करें तो वो बेस्ट है, या काम कौन सी एरिया में ज़्यादा मिलता है। अच्छा, ये कोई जगह बेस्ट नहीं होती है, ये तो काम की एक रूटीन होती है। अगर जब काम बिजी हो तो आप किसी भी एरिया में हो भाई साहब, तो आपको काम मिलता है, तो इसमें कोई ऐसा एक मखसूस एरिया नहीं है कि आप उसमें काम करें तो वो आपको काम ज़्यादा आएगा। हाँ, सिटी में अगर काम कर रहे हैं तो सिटी में मोटरसाइकिल वाले ईजिली काम कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर रश भी हो, बिजी भी हो रोड, तो वो निकल जाते हैं। तो अगर गाड़ी पर काम करना हो तो उसके लिए बेहतर है कि आउट ऑफ सिटी हो, वहाँ पे इतना रश भी नहीं बनता, और दूसरा रोड खुले बड़े होते हैं, आप मोटरवे भी इस्तेमाल करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं, तो बाहर का एरिया जो बेस्ट रहता है मेरे लिहाज से। तो वैसे हर किसी का अपना एक काम का तरीका है, कुछ लोग काम कर रहे हैं गाड़ी पे सिटी में भी, तो वो चलता है। अच्छा जी, ये एक साहब ने पूछा है, एक सिस्टर ने पूछा है, कुछ लेडी हैं आई थिंक, वो बोल रही हैं कि ऊबर ईट्स का काम लेडीज़ भी कर सकती हैं, क्या ये सेफ़ है, इज़ दैट सेफ? या इट्स सेफ, ऊबर ईट्स का काम लड़कियां कर रही हैं, कर सकती हैं, वो उसमें इसमें इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको हरास करेगा या आपको कोई तंग करेगा, नो वेज, आप काम कर सकते हैं अगर आप काम को समझ रहे हैं, अगर आप काम कर सकते हैं तो यू आर वेलकम, लड़कियाँ काम कर रही हैं तो इसके लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, ये आगे पूछ रहे हैं जी कि आपने गोप्रो कितने का लिया। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे पक्का याद नहीं है कितने का मैंने लिया, 4000 समथिंग का था। अच्छा जी, गोप्रो का हो गया। अच्छा जी, ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये वो असूल चल रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह, थैंक यू जी, माशाल्लाह वालों का। अच्छा, ये एक साहब है, इन्होंने इंग्लिश में कमेंट किया है, तो वो ये पूछ रहे हैं, ही सेड दैट ही हैव अप्लाइड फॉर बोल्ट आईडी एंड ही जस्ट went to all the procedure, he just write in all details, okay, but he stuck there,
that he don't know what is the fleet, because they are giving him option about fleet. So my friend, the Bolt and Uber, you can't work with them directly, so you have to join the fleet partner. So there is so many fleet partner with Uber and with Bolt as well. So you have to join any fleet. So fleet mean those companies, because Bolt and Uber, they are from overseas, they are from other countries, they are European, but you can't work with them directly. So you have to join a fleet. So there is many fleets, they are working with Bolt, so you have to join them. So you have to confirm from them. Okay, okay. I hope you understand. So if you don't know about fleets, so you can ask Bolt, you can email them and ask them how many, just give me the fleet partner number, so they will give you number, email, so you can contact them. And I also have fleet. If you want to join my fleet, so you can contact me. Okay, okay, ji. Inshallah, okay, okay, okay. अच्छा ये साहब मैं बोल रहे हैं जी कि आप अपना नंबर दें आपको नंबर, चलो मैं आपको एक नंबर व्हाट्सएप का दे देता हूँ, तो आप उस पर चलें, कुछ थोड़ी बहुत बात हो सकेगी। लेकिन यार मैं बिज़ी होता हूँ, काम पे भी होता हूँ, तो हर किसी को रिप्लाई तो ऐसे नहीं हो सकेगा। अगर कुछ रिप्लाई करने में लेट हो जाए तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं होता कि अगर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए तो। लेकिन मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0737019118। ठीक हो गया जी, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो आप मुझे मैसेज कर दें, आपको अगर कोई मसला है, आप अगर कुछ मालूम लेना चाहते हैं, तो वैसे भी मैं जो मुझे मालूम हैं वो मैं आपके साथ इधर YouTube पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इधर आप अपना मैसेज जो है वो छोड़ दें, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर थोड़ा लेट हो जाऊँ तो माइंड नहीं करना। ठीक हो गया, ये भी हो गया जी। ओके, देयर इज अनदर लेडी दैट शी इज आस्किंग, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन द वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर लेडीज, फॉर वुमेन्स। So let me tell you, here is men and women, they are equal, they have equal rights. So what men they are doing here, the ladies they can do here. If they are delivering food, they can deliver the food, they can drive, they can as long if they can fly the aeroplane, so they can fly. So here is cleaning work or whatever. If you want to drive a bus, if you want to drive a train, if you want to deliver food or whatever, as long you are legal here, you have your personal number, that's ID number, so you can work here. So that's not an issue. There is no special work for women and no special work for men. So if you want to work, so you can work any work you can do. So but you have to be legal here, and if you are coming from another European countries, that EU card, so you can just have a contract and you can start work here. After that contract, they will give you that your tax number, that's called coordination number, and then you are free here to work. So that's the thing. Okay. Okay, ye bhai puch rahe hai ki I'm working in France with a car. So is that possible to work on the car in Stockholm? Yeah, it's possible to work here. Why not? You can work. So this, he said, let me know if I can. Yes, you can work on car, there's no problem, as long you have driving license, European driving license, so you can drive here. Okay, ye bhai puch rahe hain ki
मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, ये जो क्लास टू मोपेड है जिसकी नंबर प्लेट नहीं है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लाइसेंस लाजमी नहीं है। अगर आपके पास क्लास वन आप लेके चलाना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, जो क्लास टू है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास टू मोपेड आप बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। सोफा, अगर इस वीडियो के बाद अगर कुछ कानून में चेंजिंग हो तो आई डोंट नो। ओके हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये रूटीन वर्क की वीडियो बनाएं जी, ठीक हो गया, बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये भाई पूछ कह रहे हैं कि आप हिंदी में व्लॉग बनाया करें, क्योंकि मोस्टली पीपल हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं, या हिंदी उर्दू सेम है? मोस्टली व्लॉग मेरे उर्दू में ही हैं, हिंदी या उर्दू में है वो सेम है, इंग्लिश में भी हैं। हाँ, वो कुछ व्लॉग पंजाबी में बने हैं, स्पेशली जो इंटरव्यू है दूसरे भाइयों के, तो समटाइम यू नो दे आर नॉट कम्फर्ट टू स्पीक उर्दू या हिंदी वाट एवर, तो उन्होंने पंजाबी में बात किया तो वो कम्फर्ट थे, उन्होंने पंजाबी में बात की है, तो या बट नेक्स्ट टाइम जो भी व्लॉग होगा वो उर्दू में होगा, उर्दू हिंदी सेम ही है, तो आइंदा जो है व्लॉग वो हिंदी में आएगा, बिल्कुल पंजाबी में नहीं आएगा। ये कंप्लेन आई है, बहुत सी कंप्लेनें आई हैं कि आप पंजाबी में बात नहीं करें, क्योंकि जो दूसरे कंट्री से लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको समझने में मुश्किल होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, अभी नेक्स्ट टाइम ये कंप्लेन नहीं होगी। अच्छा जी, ये भाई कह रहे हैं कि आप ऊबर टैक्सी के काम पे भी वीडियो बनाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, मेरे दोस्त हैं जो टैक्सी चला रहे हैं तो उनसे टाइम लेंगे, तो उनसे टाइम ले कर उनके साथ बैठ के उनका इंटरव्यू करेंगे, तो आपको ऊबर टैक्सी के मुतल्लिक भी सारी मालूमात देंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया जी, थैंक यू जी सब माशाल्लाह कहने वालों का। जी ये पूछ रहे हैं कि क्या आप दूसरे आइलैंड पे गए थे? अच्छा, वो जो शिप वाला व्लॉग है, या आइसलैंड तो हाँ, असल में ये मैंने पहले वीडियो में एक में बताया भी है कि ये जो स्टॉकहोम है ये है ही जजीरों के ऊपर बना हुआ, तो ये पुलों से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो यस आप कह सकते हैं कि वो जजीरा चेंज हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था, निब्रो प्लान से वो रूपसन तक गए थे। जी सो फार तो मेरा ख्याल है सारे कमेंट्स हो गए हैं, कोई ऐसा कमेंट नहीं है कि जिसका जवाब मैंने ना दिया हो, जो सवाल पूछा गया हो। हाँ अच्छा जी, हाँ ये कह रहे हैं कि वर्क परमिट के बारे में बताएं कि अगर उधर आना हो तो वर्क परमिट का क्या है। हाँ आप आ सकते हैं वर्क परमिट के लिए, उसका यह तरीका है कि आपको पहले काम तलाश करना होगा इधर जो कंपनियां हैं उसके साथ, किसी के साथ आपको जो आपको काम दे, फिर आपका काम हो जाएगा तो वो कंपनी वाला जो है वो आपका वर्क परमिट इधर इमिग्रेशन में सबमिट करेगा, तो फिर आप आ जाएंगे वर्क परमिट पे आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये तो है, आपको अगर कोई एम्प्लॉयर इधर मिल जाए जो आपको जॉब पे रखे तो ये तो ऐसे ही होगा, वर्क परमिट अवेलेबल है। अच्छा जी, हाँ ये साहब पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट के एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस के बारे में भी व्लॉग बनाएं। जी बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह बनाएंगे, हैं मेरे दोस्त इधर जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको उनके साथ भी मैं टाइम बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर उनके साथ करेंगे, क्योंकि वो जो स्टूडेंट के बारे में कुछ मालूम तो मुझे हैं लेकिन वो एक्चुअल मालूम नहीं है, तो किसी स्टूडेंट के साथ बैठ के मैं इंशाल्लाह उससे टाइम लेके तो उसके साथ बैठ के डिटेल में बात करेंगे, तो जल्द आपको व्लॉग मिलेगा स्टूडेंट के एक्सपेंसेस और वो जो ट्यूशन फीस वगैरह वो सब के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो या आई थिंक मैंने वो सारे कमेंट्स जो
जिनमें कुछ पूछा गया है उनका जवाब हो गया मोस्टली। जो दूसरे हैं वो जैसे मैंने पहले बताया वो माशाल्लाह वगैरह वाले, उनको तो फिर मैंने मेंशन नहीं किया। तो जो सवाल थे आपके, जितनी मेरी मालूमात थी उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आई डोंट थिंक कोई रह गया, तो तकरीबन सारे हो गए। हाँ, ये कमेंट आया जी, मैं ग्रीस में हूँ जी, ग्रीस से इधर आना है, तो उसके लिए काम की क्या पोजीशन और क्या पेपरों का क्या बनेगा। हाँ वेलकम, आप ग्रीस से आ सकते हैं, काम इधर जो है वो आपको जाहिर बात है तलाश करना पड़ेगा, जो आप काम कर सकते हैं वो काम करेंगे इधर। हाँ, अगर आपके पास वो उधर का ग्रीस का PR है, जिसको आप उधर की ज़बान में ग्रीकी में आप एपिमाक्रोन बोलते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप इधर आके चेंज हो जाएगा, अगर आपके पास वो नहीं है तो वो इधर चेंज नहीं होगा। आप आ तो सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपके पास वो एपिमाक्रोन होना लाजमी है, वो इधर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर हो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे, आप टैक्स ऑफिस में जाके वो सबमिट करेंगे, आपका टैक्स नंबर इशू हो जाएगा, उस आपका टैक्स जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, फिर आप इमिग्रेशन में जाके वो सबमिट कर सकते हैं, आपके पेपर इधर चेंज हो जाएंगे, वो पेपर आपके यानी कि आपके पास ही रहेंगे, एपिमाक्रोन वो आपके पास ही रहेगा, ये आपको 5 साल वाला कार्ड दे देंगे। और यही तरीका सारे यूरोपियन से, जो इनके पास फॉरएवर है, वो इधर आ कैसे चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है जी, सब कमेंट्स तकरीबन हो गए, अगर कोई ऐसा सवाल अभी नहीं रहा तो इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे, अगर कोई कमेंट रह गया जिसका मैं जवाब नहीं दे सका तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और दूसरा, ये जो कंप्लेन अभी अभी ये फिर मेरी नज़र में से गुजर है वो पंजाबी का, तो भाई जो वीडियो बन गई है वो बन गई है, अभी नेक्स्ट टाइम पंजाबी में नहीं बनेगी, आपको कंप्लेन नहीं आएगी। तो आपको जो भी मालूमात चाहिए होगी आपको इंग्लिश या उर्दू में मिलेगी इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। रेहान ज़फ़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का ख्याल रखने का मतलब ये है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आपको कुछ अच्छे सरप्राइजिंग व्लॉग मिलेंगे, तो जस्ट स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।